हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डेक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ऑटो एग्जिस्ट। ये क्या होता है कम्प्लीटली इसे आगे इस वीडियो में देखेंगे हम। सबसे पहले इसका एक इंट्रो ले लेते हैं कि डेक्स के अंदर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं या जिस तरह से डेक्स वर्क करता है वह आपको आना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको ये ठीक से आता है, आप उसको समझते हैं कि डेक्स कैसे वर्क करता है, तो आप अपने आप डेक्स में सोच पाएंगे और इसके हिसाब से कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक टेबल है मेरे पास, डेटा मॉडल कनेक्टेड है। यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल मेरे पास यहाँ गिवन है और ये कनेक्टेड है कैटेगरी और सब कैटेगरी से। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये सेल्स टेबल जो है वो कनेक्टेड है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कनेक्टेड है सब कैटेगरी से, सब कैटेगरी कनेक्टेड है, ठीक है, वन टू मैनी रिलेशनशिप के जो है पूरी चेन यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं हम, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज सेल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब कैटेगरी से कॉलम लेता हूँ, सब कैटेगरी, और कैटेगरी से कॉलम लेता हूँ कैटेगरी, और इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ओके। अब सेल्स अमाउंट का यहाँ मेजर हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर ही सेल्स अमाउंट का मेजर होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो सेल्स अमाउंट का जो मेजर है इसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं, ओके, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी कैलकुलेशन को, जो अभी हमने कैलकुलेशन यहां की है, सेम कैलकुलेशन को हम एक अलग तरह से करते हैं। यानी कि जो कैटेगरी और सब कैटेगरी कॉलम है वो मैं प्रोडक्ट टेबल में ही लगा लेता हूं और फिर एक विजुअल यहां पर क्रिएट करता हूं। तो अब अगर मैं टेबल में आता हूं और कैटेगरी और सब कैटेगरी में इसी टेबल में ऐड कर लेता हूं, ठीक है, तो एक कैलकुलेटेड कॉलम में यहां ऐड कर रहा हूं, तो जो कैटेगरी होगी हो जाएगी वो हम ऑब्वियसली रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे और कैटेगरी कॉलम में यहां पर रिलेटेड फंक्शन से यहां पर ले आऊंगा। एक तरह से वीलुकअप की तरह हुआ और यहां पर ये कैटेगरी आ गई। अब सेम इसी तरीके से यहां पर मैं अब सब कैटेगरी कॉलम भी ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर एक और कॉलम मैंने ऐड किया और इसका नाम दिया सब कैटेगरी। ऑब्वियसली बात है दोबारा से रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे और प्रोडक्ट सब कैटेगरी मैंने यहां पर लगा दी। तो अब मेरे पास कैटेगरी और सब कैटेगरी ओरिजिनल प्रोडक्ट टेबल में ही है। तो अब मैं बिना किसी रिलेशनशिप का यूज करें कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज भी सेल्स अमाउंट निकाल सकता हूं। तो मैं सेम मेजर को यूज कर रहा हूं, सेम टेबल को यूज कर रहा हूं और यहां पर इस कैटेगरी और सब कैटेगरी को हटा करके मैं प्रोडक्ट टेबल से जो मैंने नए कॉलम क्रिएट किए हैं, सब कैटेगरी एंड कैटेगरी में यहां पर डाल देता हूं। देखिए, अगर आप ध्यान से इन दोनों टेबल्स को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रैंड टोटल भी बिल्कुल सेम है, कैटेगरी वाइज भी सेल्स अमाउंट सेम आ रहा है, सब कैटेगरी वाइज भी सेल्स अमाउंट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ओके, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक मेजर लेते हैं या फिर एक और मेजर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ऑडियो कैटेगरी की सेल्स निकालनी है, ठीक है, और वो ऑडियो कैटेगरी की सेल्स मुझे इन दोनों टेबल्स में दिखानी है। तो अगर मैं दोबारा से यहां पर आता हूं
ठीक है, तो कैलकुलेट की हेल्प से मैं वही सेल्स अमाउंट का जो मेजर है वो ले रहा हूं और मैं यहां पर कर देता हूं। कैटेगरी का प्रोडक्ट कैटेगरी में जो कैटेगरी है वो मैं कर रहा हूं ऑडियो। ओके, अब इसे मैं ओके करता हूं। देखिए अब इस मेजर को मैं इस वाले में ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं, अब इसमें भी मैं सेम वही मेजर जो हमने बनाया है अभी वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मेजर है मेरा अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तक दोनों में कुछ फर्क नहीं था, ठीक है, तो यानी कि हम एक बाहर अगर टेबल है जो रिलेशनशिप से कनेक्ट है उसके बेस पर कोई विजुअल बनाते हैं और मेन टेबल में ही अगर हम कॉलम को इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर कोई विजुअल बनाते हैं तो दोनों सेम है, ओके, राइट। तो हम भी अभी तक ये समझते थे कि डैक्स में ये दोनों सेम ही टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर हमने एक्स्ट्रा लिखा, उस मेजर की वजह से दोनों ही विजुअल्स अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पर कुछ और भी हिडन है जो अभी हमें समझना बाकी है, तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले। अब आप ध्यान से देखेंगे कि पहले आइटम्स जो पहली टेबल है जिस जो मैंने बनाई है रिलेशनशिप वाले कॉलम से यानी कैटेगरी और सब कैटेगरी कॉलम टेबल से, तो वहां पर ये रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए अब देखेंगे कि ब्लूटूथ जो हेडफोन्स है वो ऑडियो में है, ब्लूटूथ हेडफोन्स कैमरा में भी आ रहे हैं, बल्कि कैमरे की कैटेगरी में तो ब्लूटूथ है ही नहीं, राइट। तो यहां पर ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि ब्लूटूथ हेडफोन जो है इसी कैटेगरी में तीनों आ रहे हैं और बाकी जगह क्योंकि ऑडियो के सेल्स नहीं है तो वहां पर ब्लैंक आ रहा है, लेकिन यहां पर वो ब्लैंक नहीं आ रहा, यहां पर वो कुछ और ही चेंज कर दे रहा है। तो अब इसे देखते हैं, अब यहां पर देखिए आप, अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे जनरेट की गई है, ठीक है। जब कॉलम जो होते हैं सेम उसमें होते हैं कि सेम टेबल में जब कॉलम होते हैं तो वो एक्चुअल कॉलम के बराबर ही होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल डेटा है वही रहता है, यानी कि अगर ब्लूटूथ हेडफोन ऑडियो के अंदर है तो ब्लूटूथ हेडफोन्स ऑडियो के अंदर ही आएगा। लेकिन जो ये टेबल है जब हम रिलेशनशिप पे बेस करते हैं, ये रिलेशनशिप के ऊपर है, जब हम रिलेशनशिप के ऊपर जब बनाते हैं टेबल तब उसमें क्या फर्क होता है, वो उन दोनों कॉलम्स का क्रॉस जॉइन बनाता है और फिर कोई विजुअल या मैट्रिक्स जो है की अमाउंट जो है जनरेट की जाती है, और जहां पर कोई अमाउंट नहीं आता है उसको ब्लैंक कर दिया जाता है, वो हटा दिया जाता है। तो सेम इसी तरीके से क्योंकि यहां पर ये वैल्यूज हैं यहां पर इसलिए ये रॉज यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसी टेक्निक के हिसाब से यहां पर इसने ऑडियो कैटेगरी के साथ सारी सब कैटेगरी की सीरीज बनाई, ठीक है, ऑडियो के साथ ब्लूटूथ MP4 रिकॉर्डेड पैन कैमकॉर्डर सेल फोन MP जो है लैपटॉप ब्लेंडर सब चीजें की उसने क्रॉस जॉइन बनाया, यानी ऑडियो के साथ सभी कैटेगरी, ऑडियो के साथ सभी सब कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी के साथ सारी सब कैटेगरी, और जहां जहां वो कॉम्बिनेशन से के अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट यहां रुक जाएगा, बाकी सब रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस ये केस है यहां पर जो एक्चुअल कॉलम है वही कॉलम आएंगे और उसके हिसाब से फिर अमाउंट निकलेगा। तो देखिए तो इस केस में जब हम कैलकुलेट लगा रहे हैं
ठीक है, जब हम कैलकुलेट लगा रहे हैं तो कैलकुलेट ने क्या किया, कैटेगरी को रिप्लेस कर दिया, राइट। क्योंकि अगर आप ऑडियो सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट की प्रॉपर्टी है कि वो ओवरराइड कर देता है, यानी कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इसने कैटेगरी के फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया, जो कि ऑडियो कर दिया। तो इस केस में अगर आप यहां देखें, इस केस में जब ब्लूटूथ और कैमकॉर्डर का जो कॉम्बिनेशन यहां पर बना, तो सेल्स अमाउंट तो यहां पर नहीं है ब्लैंक, जब ये एक अकेला ये कॉलम था तब वो रिमूव हो गया था, ठीक है। लेकिन जब हमने ऑडियो सेल्स निकाली तो क्या सब कैटेगरी ये रही, और जो कैटेगरी की को रिप्लेस करके ऑडियो आ गया, तो ऑडियो के साथ तो ब्लूटूथ है, इसलिए ये अमाउंट ऑडियो के साथ ब्लूटूथ वाला ये वाला अमाउंट यहां पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से सेम MP3 और रिकॉर्डेड पैन में भी सेम यही सिस्टम हमें देखने को मिला है। और जो ये ब्लैंक्स आए हैं वहां पर वो कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वहां पर वो आए। होप आपको समझ आया होगा ये। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक्सेल ओपन करूं और एग्जांपल के लिए यहां पर कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है, और कुछ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो एक टेबल ये है मान लीजिए, दो फ्रूट्स हैं और ये तीन यहां पर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो अब जो ये अमाउंट है वो ये अमाउंट है, ठीक है। अब अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का क्रॉस जॉइन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। हर फ्रूट के साथ सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स, और हर वेजिटेबल के साथ, ठीक है। तो नॉर्मल जो पिवट टेबल होती है वो कैसे काम करती है, नॉर्मल पिवट टेबल जब हम रिलेशनशिप से काम कर रहे हैं वो नॉर्मल पिवट टेबल हुई, यहां पर ये क्रॉस जॉइन बना देगी, यानी इसको नहीं कनेक्शन नहीं, मतलब नहीं है कि देखो ये वेजिटेबल ये एप्पल वेजिटेबल है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बस क्रॉस जॉइन बनाना है और फिर लास्ट में आंसर देखने हैं क्या फ्रूट और एप्पल की कोई कैटेगरी यहां पर है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये एप्पल की और फ्रूट की जो कैटेगरी है वन है, तो यहां पर हमने वन डाला, बनाना भी वन है, फ्रूट और पोटैटो जीरो है, फ्रूट लेमन जीरो है, फ्रूट ब्रिंजल जीरो है, वेजिटेबल एप्पल जीरो है, बनाना जीरो है, और यहाँ पर वन वन और वन। अब सम करेंगे तो ये फाइव आएगा और यहाँ भी फाइव ही है। अब जो ब्लैंक रोज आई हैं वो वहां से रिमूव कर दी जाएगी, तो जो फाइनल आंसर दिखाई देगा वो फाइनल आंसर यही दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब जो कैलकुलेट के जो ऑडियो सेल्स का हमने जो मेजर बनाया था वहां पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम फ्रूट से बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये नई टेबल है और अब इस नई टेबल में हम इस वाले कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, फ्रूट से, ठीक है। तो ये तो हमारा ओल्ड हो गया, ओल्ड क्या, ओल्ड फिल्टर, और ये हो गया हमारा न्यू फिल्टर जो ऑडियो वाला जो मेजर है उसके अंदर। तो ये अमाउंट सीमा से निकल जाएगा, जहां पर ब्लैंक आ रहे हैं ब्लैंक ही आएंगे। अब देखो, अब जो नए के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है ये वाले। अब आप देखोगे एप्पल के साथ फ्रूट, करेक्ट, बना जाएगा, बनाना के साथ फ्रूट, बना जाएगा, फ्रूट के साथ पोटैटो जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। अब यहां पर वेजिटेबल के साथ एप्पल था लेकिन अब वो वेजिटेबल की जगह फ्रूट हो गया है, तो फ्रूट और एप्पल फिर से बन हो जाएगा, फ्रूट और बनाना फिर से बन हो जाएगा,
फ्रूट और पोटैटो फिर जीरो हो जाएगा, लेमन और फ्रूट, लेमन और फ्रूट जीरो और ये भी जीरो। अब आप देखेंगे कि ये जो आंसर है वो हर कैटेगरी के साथ रिपीट हो रहा है। नया जो फिल्टर है वो पुराने वाले को रिमूव कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, उसकी वजह से हम ये आंसर देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो ये ब्लैंक वाले हम आ रहे हैं, और यहाँ पर ये करेक्ट आ रहा है क्योंकि वहां पर वो टेप कॉलम है ही नहीं। यहाँ यहाँ पर जो नई टेबल बनाई है हमने उसमें वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिन कॉम्बिनेशन को रिमूव किया जाए, वो करेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही आ रहा है, तो वो रिप्लेस करके करेक्ट वैल्यू ही बना रहा है। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। इससे हम बोलते हैं ऑटो एग्जिस्ट, यानी कि जब कॉलम्स हमारे रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं तब वो क्रॉस जॉइन बनाएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो डेटा एक्चुअल में है या नहीं, और उसके बाद वो मेजर कैलकुलेट किया जाएगा, जहाँ जहाँ वैल्यू होंगी वो वैल्यूज आ जाएंगे, और जहाँ जिन कॉम्बिनेशन से वैल्यूज नहीं निकलेंगी वो रॉस रिमूव कर दी जाएंगी। राइट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑटो एग्जिस्ट है। लेकिन अगर वो कॉलम उसी टेबल में है जिस टेबल में से हम ये बना रहे हैं कॉम्बिनेशन करके, तो वहाँ पर ये ऑटो एग्जिस्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनके हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जाएगा और फिर मेजर निकाला जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये थोड़ा फास्टर वे भी होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं कुछ आगे की नई चीज। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपका कोई डाउट है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, गुड बाय।